तीन और डिफरेंट क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम क्रॉस प्रोडक्ट की ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए AIEEE 2010 का है और क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफ IIT 2007। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन 7 पहले लेते हैं। इफ वेक्टर्स AI+J+K, I+BJ+K एंड I+J+CK, राइट, और कंडीशन दे रखी है, ध्यान से देख लें कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू वन। सी की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है और ए और बी इक्वल नहीं है। आर कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन वैल्यू ऑफ 1/(1-A)+(1/(1-B)+(1/(1-C)। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का बहुत अच्छा यूज है एंड वी शुड नो दैट कि डिटरमिनेंट में जो है वैल्यूज को निकालना थोड़ा स्लाइटली टिपिकल होता है जिस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर निकाल पा रहे हैं लेकिन एक तरह से आंसर निकाल पा रहे हैं लेकिन वो जिस तरह से वैल्यू चाहता है उसके साथ में उसका मैचिंग नहीं बैठ रहा है, तो हमें वैल्यू वैसे ही सेट करनी पड़ती है जिस तरह की वैल्यू रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है ना, तो देखिए ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये बात समझ में आएगी। और वेक्टर्स अगर तीनों दे रखे हैं, कोप्लेनर है, तो हम डायरेक्टली उस चीज का यूज करेंगे कि उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज जीरो, राइट, उसी वैल्यू को यूज करेंगे। लेट से दीज थ्री वेक्टर्स आर पी क्यू आर, सो उसमें डायरेक्टली बॉक्स वैल्यू जीरो लिखेंगे एंड बॉक्स वैल्यू जीरो मीन्स वॉल्यूम इज जीरो, राइट, वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। तो हम थोड़ा इसका शॉर्टकट यूज कर रहे हैं कि डायरेक्टली इसको लिख पा रहे हैं कि व्हेन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयर वॉल्यूम वॉल्यूम इज गोइंग टू बी जीरो, राइट, सो द बॉक्स वैल्यू ऑफ थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। बॉक्स मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो वेक्टर्स में डायरेक्टली आप कॉफिशियंट्स लिख देंगे A11 और 1B1 11C, राइट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए वैल्यू जिस फॉर्मेट में चाहिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में एक वैल्यू आ जाएगी लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं आएगी जिस तरह से चाहिए, क्योंकि ये कोप्लेनर होने की कंडीशन तो हमने लिख दी, ये तीनों वेक्टर्स को हमने लिख दिया, बट वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ 1/(1-A)+(1/(1-B)+(1/(1-C) उस फॉर्म में चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 1-A, 1-B, 1-C क्रिएट करने के लिए इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं C2 सच दैट C2-C1, सो दिस डिटरमिनेंट विल बिकम द 1-A एंड B-1 एंड दिस इज 0, राइट, एंड दिस इज A11 और ये थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। अब एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि यहाँ पे भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा A-1, B-1 और C-1 क्रिएट करेंगे और फिर ओपन करेंगे तो हमें उस तरह की वैल्यू मिल पाएंगी जो कि दे रखी है 1/(1-A)/(1-B)+(1/(1-C)। तो आप ये सवाल देखते चलिए कैसे इस पे काम होगा कि इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं C3 सच दैट C3-C1। तो इसमें अगर अगर थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस होता है तो दिस फर्स्ट कॉलम विल रिमेन एज इट इज और सेकेंड कॉलम हम चेंज कर चुके हैं इसका, राइट, और ये वैल्यू बन जाएगी 1-A, दिस इज 0, राइट, दिस इज C-1। तो देखिए मैक्सिमम हमने A-1 या 1-A, B-1, C-1 क्रिएट कर लिए। अब इसको फाइनली ओपन कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू A इनटू दिस इज B-1 इनटू C-1 इनटू C-1 एंड दिस इज 0। तो ये वैल्यू क्लियर हो गई और यहाँ लगता माइनस, तो माइनस लगता है तो ठीक है इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर देते हैं, A-1 से ले लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू C-1 इंटू 0। ठीक है, प्लस का 1-A इंटू 1-A के साथ में आएगा, ये दोनों गए, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस, सो माइनस साइन यहाँ अपियर हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज B-1 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए थोड़ा सेट करता हूँ मैं इसको, रीसेट कर देंगे B-1 C-1 एंड प्लस A-1 C-1। ठीक है, इस माइनस को इसमें अंदर कर दें, कैन बी रिटन एज A-1 B-1 इक्वल टू 0 और पूरे नंबर को हम डिवाइड कर दें A-1 B-1 इंटू C-1 से,
So after the dividing by a minus 1, b minus 1, c minus 1, so a upon b minus 1, c minus 1 गया, इसके नीचे आ जाएगा a minus 1 and plus 1 upon, this is whole number, पूरा number जो है a minus 1 into b minus 1 into c minus 1 से divide किया, तो a minus 1 इसमें बचेगा b minus 1, right? और plus a minus 1, b minus 1 उसमें बचेगा 1 upon c minus 1. अब देखिए जहां वैल्यू जिस तरह से चाहिए उसमें उल्टा आ रहा है, तो इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसको चाहिए 1 माइनस बी, 1 माइनस सी और 1 माइनस ए उधर चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए अपॉन 1 माइनस ए, साइन चेंज, 1 अपॉन 1 माइनस बी एंड 1 अपॉन 1 माइनस सी, द होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द माइनस साइन, राइट? सो साइन यहां पे हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इस तरह से लिख दिया. बट अगेन सी दैट यहां पे जो वैल्यू थी ये 1 अपॉन 1 माइनस बी आ चुका, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी आ चुका, बट a अपॉन 1 माइनस सी दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं इसको a माइनस 1 प्लस 1 लिखते हैं, 1 माइनस a लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी. दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, एंड जिस फॉर्मेट में जिस तरह से जाना होता है, अगर डिटरमिनेंट में उस तरह से नहीं जाएंगे तो हम एक वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वैल्यू वो नहीं होती जिस तरह से उसको वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि इसको वैल्यू चाहिए 1 अपॉन 1 माइनस ए की प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है. अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने लगे बिना सोचे समझे तो हम फंस जाएंगे फिर, ठीक है? सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और इसको इससे सेपरेट किया जाए तो यहां बनेगा माइनस 1, ठीक है? ए माइनस 1 1 माइनस ए है, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए है, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0. तो देखिए हम पहुंच गए आंसर पे, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1, एंड दिस इज द आंसर, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, ए ऑप्शन इज करेक्ट. और अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते इसी लेवल पे तो मुश्किल होता कि वैसी वैल्यू हम जनरेट कर पाते और फिर उससे उसको वैल्यू को इवेल्युएट कर पाते, वो मुश्किल काम हो जाता है, उसमें और कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती. इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. देखिए इसने और पर्टिकुलर इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं लगभग रिपीट कर रहा हूँ जो कि आईआईटी में आया हुआ है, तो ध्यान रखिए कि ये वाले क्वेश्चन आए हुए बहुत ज्यादा है, जेई मेंस में भी आने के चांसेस, बिकॉज ये वाला सवाल इस टाइप का, इट इज सेकेंड टाइम इट इज रिपीटेड, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट किया लेकिन सवाल इसी पैटर्न का रिपीट किया, तो इट मीन्स ये पर्टिकुलर इस टाइप के चांसेस बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ए वैक्टर दे रखा जे माइनस के, सी वेक्टर दे रखा है माइनस जी माइनस के, एंड देन वेक्टर बी इज रिक्वायर्ड सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल लिखा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज 3. तो दो इंफॉर्मेशन गिवन है एंड यू रिक्वायर द वेक्टर बी, तो एक काम करेंगे वेक्टर बी ही चाहिए, देन वेक्टर बी इक्वल टू, तो बी को लेट कर लेंगे, लेट बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ये आपने वेक्टर बी लेट कर लिया और जो जो कंडीशन दे रखी है उसमें आप लिखते चले जाइए. दिस इज ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर बनाएगा, ए क्रॉस बी ले लें आई जे के, और एक ए के कॉफिशेंट्स है हमारे पास में, ए वेक्टर है 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, और ए क्रॉस बी बी के हैं बी वन बी टू बी थ्री, वो लेट किया हुआ है, इक्वल्स टू माइनस सी, और सी को माइनस करके लिखना, सो दिस इज माइनस आई प्लस जे एंड प्लस के, दिस इज कंडीशन जैसी दी थी वो लिखी हमने, फर्स्ट कंडीशन को यूज किया है, दैट इज द ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस सी, एंड आई इंटू दिस इज बी थ्री, बी थ्री प्लस बी टू हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू दिस इज 0 एंड माइनस प्लस बी वन, एंड प्लस के कैप इंटू दिस इज आई जे के कैप, राइट? सो के कैप इंटू दिस इज गॉन, राइट? माइनस बी वन, माइनस बी वन इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के होगा, राइट? तो फर्स्ट इस आई के कॉफिशियंट को कंपेयर कराएंगे आई कैप के, तो देगा आपको वैल्यू
b2 plus b3 इक्वल्स टू माइनस वन, फर्स्ट कंडीशन ये आ रही है, ठीक है, और माइनस बी वन इक्वल टू वन, माइनस बी वन इक्वल टू वन, सो बी वन इक्वल टू माइनस वन, बी वन इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए एक वैल्यू तो मिल चुकी, बी वन इक्वल टू माइनस वन, ये हमारा एक डिसाइड हो गया नंबर। और सेकंड से जो थर्ड है माइनस बी वन इक्वल टू वन, वो भी वही दे रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इससे कोई वैल्यू निकल नहीं रही है। दूसरा ले लें ए डॉट बी इक्वल टू थ्री, ए डॉट बी इक्वल टू थ्री दे रखा है, तो ए ए गिवन है हमारे पास में, ए की वैल्यू है जे माइनस के कैप, राइट, डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप इक्वल्स टू थ्री गिवन है, तो जे से मिलेगा बी टू और के से मिलेगा माइनस बी थ्री, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू थ्री। तो आप डायरेक्टली यू कैन सॉल्व द दिस इक्वेशन, ये भी दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें बी टू बी थ्री भी मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन, एंड जस्ट ऐड नंबर, टू बी टू इक्वल्स टू, ऐड में टू आ गया, सो बी टू इक्वल्स टू वन आ गया। देखिए बी वन निकल चुका था, बी टू इक्वल्स टू वन आ गया, और बी टू वन प्लेस कर देते हैं इसमें, बी टू वन यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो बी थ्री आ जाएगा, बी टू वन प्लेस करेंगे माइनस टू, बी थ्री इक्वल्स टू, बी थ्री इक्वल्स टू माइनस टू, देयर फॉर बी वैक्टर, बी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, चेक द आंसर। बी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई से शुरुआत होगी, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए आई ट्रिपल ई 2010 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद में लास्ट लेते हैं, ये सवाल हम कर चुके हैं सारे, 7-8 हो चुका, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है लेट एबीसी बी द यूनिट वेक्टर सच दैट, यूनिट वेक्टर्स हैं एबीसी, यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और आईआईटी 2007 पेपर 2 का क्वेश्चन है। सो अगर देखिए यूनिट वेक्टर्स अगर बता रहा है, और सेकेंड ऑल्सो दिस इज द कंडीशन सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नाउ इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन अगर हम ट्रायंगल में देखें, तो अगर ट्रायंगल में तीनों साइड्स को अगर ए वेक्टर इधर लेगा, ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर, अगर तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में ले लेगा, देन ए प्लस बी प्लस सी बिकम्स इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज दिस इज इक्वल टू ए, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बनेगा, माइनस सी वेक्टर बनेगा वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन तभी क्रिएट होती है जब ऐसा सिचुएशन हो, राइट, व्हेन ए बी एंड सी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ऑल थ्री आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। अगर ऐसे होंगे तो हमें यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसको माइनस सी वेक्टर लिखना पड़ेगा, एंड सो देन यू हैव टू राइट द ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज देयर। नाउ वी हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की वैल्यूज को निकाला हुआ है, अल्टीमेटली ऑप्शन देखें क्या करना पड़ेगा और उसमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसके साथ में ए क्रॉस ले लेंगे पूरे के साथ, ये गिवन रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज गिवन टू अस, और इसको यूज कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, ए क्रॉस है जीरो आएगा, दिस इज ए क्रॉस बी, राइट, प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी जब उधर जाएगा तो सी क्रॉस ए हो जाएगा, दिस इज वन इंफॉर्मेशन। और अगर इसी रिजल्ट को आप बी क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें, बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें ए प्लस बी प्लस सी का, तो हमें एक और दूसरी तरह का रिजल्ट मिल जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट, बी क्रॉस बी जीरो प्लस बी क्रॉस सी,
Now it is equals to 0. We can write the b cross c equals to minus b cross a, and that means usko agar palat denge to a cross b likha jayega. So ultimately a cross b equals to b cross c equal to c cross a from equation 1 and 2. So you can say one more information is that a cross b equals to b cross c equals to c cross a. अब देखिए IIT 2007 में आया हुआ सवाल है, तो डेफिनेटली कुछ तो ट्रिक होगी इसमें. और ट्रिक यह है कि ए ऑप्शन में देखो दोनों को इक्वेट करने की बात कर रखी है उसने. ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए जीरो बोला हुआ है, तो हमें ये तो मालूम चल गया कि तीनों वैल्यूज इक्वल है. तो ए और बी ऑप्शन में हो सकता है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि यहाँ ए क्रॉस सी डाला हुआ है इसने. ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए है, इसमें भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए है, बट एक में इक्वल टू जीरो लिखा है, एक में इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, राइट. एंड सी ऑप्शन में सी क्रॉस ए क्रॉस सी को जीरो बताया हुआ है, तो ये जब आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इक्वल टू जीरो होने की तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो हटा देंगे हम, ठीक है. और डी ऑप्शन बोलता है ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर. अब आप एक चीज देखिए, अगर ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो ये इनके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और बी क्रॉस सी भी करेंगे तो वो भी आपस में एक ऐसा इसके दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, सी क्रॉस ए करेंगे तो भी वही एक ही आएगा. सो ऑल द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर द पैरेलल वेक्टर्स, आर द पैरेलल वेक्टर नॉट परपेंडिकुलर. तो ये जो स्टेटमेंट इसने दिया आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी गलत हो जाता है. तो हमने दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए. अब हमें मेनली चेक करना है कि क्या ए या फिर बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना. बिकॉज दिस इज देयर एंड दीज आर द यूनिट वैक्टर्स, ऑल थ्री आर गिवन एज द यूनिट वैक्टर्स. अब अगर यूनिट वैक्टर्स हैं तो दे आर फॉर्मिंग द एस ए बी सी आर फॉर्मिंग the equilateral triangle, equilateral triangle, because all three are there, A, B, C. अगर A, B, C इस तरह से दे रखे हैं और ये यूनिट वैक्टर्स हैं, यूनिट वैक्टर हैं तो ट्राइंगल बन गया. और ट्राइंगल अगर बन गया तो A क्रॉस B करें या B क्रॉस C करें या C क्रॉस A करें, तो दैट गिव द दैट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट हैज सम वैल्यू, राइट. And its vector is perpendicular to both A and B. So that goes in this direction. वो इस direction में जाएगा, board से बिल्कुल exactly 90 degree बाहर जाएगा. But it is not equal to zero. Why? Because A and B and C are the unit vectors. Unit vectors है और उसकी direction होगी perpendicular to this board. Means इस तरफ direction जाएगी इसकी बाहर की तरफ, ठीक है. So they are not equal to zero. तो मतलब ये इसमें B option finally हम उसको सही करेंगे, बिकॉज ऑल थ्री आर यूनिट वैक्टर्स दैट बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट्स क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ. उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं.